सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच भाई, तुम लोगों ने 10,000 करा दिया भाई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मैंने चैनल शुरू किया था ऐसे मजे में। मुझे लगा था ठीक है, गेम्स खेलेंगे, किसी ने देखी तो देखी, नहीं देखी तो नहीं देखी। लेकिन भाई, तुम लोगों ने जो सपोर्ट किया भाई, मतलब विश्वास नहीं हो रहा भाई, कसम से थैंक यू सो मच भाई, दिल से। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से पहले भाई आगे चलते हैं। लेकिन उससे पहले भाई एक बात मुझे ये बताओ कि भाई इतने लोग देख रहे हो भाई वीडियो, 90% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सिर्फ 10% कर रहे हो भाई, क्यों? अगर तुम्हें अच्छी नहीं लग रही तो कमेंट्स में बताओ भाई कौन सा पार्ट इंप्रूव करो, तभी तो मैं सीखूंगा भाई। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे बता दो। अगर अच्छी लग रही तो ठीक है, सब्सक्राइब करने को नहीं बोला, लेकिन क्यों नहीं कर रहे वो बता दो मुझे। ठीक है, तो हाँ, आज चलते हैं भाई अपने ब्रिजेस के लिए। और भाई काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगने वाला है आज, धीरे धीरे गेम बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, तो आ जाते हैं भाई अपने दिमाग वाले मोड में। तो लेट्स बिगिन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं आज के चैलेंजेस। ठीक है, लेट्स गो। ओके भाई ओके, तो इसमें अपने को लिखा है अनदर ड्रॉब्रिज। ड्रॉब्रिज मुझे याद नहीं वैसे कौन सा था, लेकिन कुछ ना कुछ होगा, लेकिन पहले किया है हमने, तभी इसने लिखा है अनदर ड्रॉब्रिज, नो चीटिंग नाउ। अब पता नहीं कौन सी चीटिंग की होगी मैंने, लेकिन जो भी है ठीक है, देखते हैं। तो बेसिकली हाँ, इस एम्बुलेंस को यहाँ से वहाँ लेके जाना है, इसको क्रॉस करवाना है बीच से शिप को। हाँ, तो बेसिकली यही वाला होगा शायद ड्रॉब्रिज, और क्या होगा। ठीक है, तो जो चीज़, और इसमें 6 स्टील के भी, सिर्फ 4 ही हाइड्रोलिक से सिर्फ। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक चीज़ आती है, जैसे शीट्स में, एग्जाम वाली शीट्स में डेट रोल नंबर आता है, वैसे यही चीज़ आती है। तो सबसे पहले तो सबसे बेसिक सा एक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मेरे हिसाब से ये वाला तो सपोर्ट कर ही जाएगा इतने में, नहीं नहीं करेगा तो ऊपर भी थोड़े से लगाने पड़ेंगे, है ना। ओके, मेरे हिसाब से जब भी मैं बोलता हूँ ना, तब पक्का गड़बड़ होती है। अब इनको अटैच करते हैं। हाँ, अब ये होल्ड तो करेगा, ठीक है, लेकिन शिप ही तोड़ देगी ना, फिर होल्ड करके फायदा क्या है, रहने दो। ठीक है, अब इसको यहाँ से अपने को, इसको थोड़ा इस तरफ करता हूँ, यह होगा कि नहीं होगा। हाँ, इसको यहाँ पे मेरे को ब्रेक करके ये पूरा का पूरा उठाना पड़ेगा, ताकि पूरी शिप हो जाए। ठीक है, पहले तो ये ब्रेक करना है, यहाँ पे हाइड्रोलिक्स लग जाए अगर, तो मेरे को इसको वहाँ भेजना है। तो मतलब यहाँ से हाइड्रोलिक्स पहुँच नहीं रहे वहाँ तक, लॉल, ये तो गड़बड़ हो गई भाई। थोड़ा सा इस तरफ करें, अब पहुँचेंगे। हाँ, अब पहुँच गए। तो ये वाला टूट के यहाँ से वहाँ आ जाएगा, और ये वाला यहाँ पहुँचेगा नहीं अभी, इसको भी थोड़ा यहाँ लाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ नहीं रहा अभी। तो एक चौथा लगाना पड़ेगा शायद से, या क्या करें। एक चीज और कर सकते हैं, इसको अगर मैं डिलीट कर दूं, इसको यहां से यहां ले आऊं, अरे हाइड्रोलिक में इसको सपोर्ट लाना है। ठीक है, और अब यहां पे हाइड्रोलिक ले आऊं कि इसको यहां से यहां अटैच करना है। ठीक है, अब देखते हैं ये कितना जाता है। अब धीरे धीरे इसको यहां से जोड़ने की कोशिश करें अगर। ओ भाई, ये तो यहीं टूट जाएगा, लेकिन काम कर सकता है मेरे हिसाब से। लेकिन ये पहुंच कैसे नहीं आ रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं ना, फिर इनका थोड़ा सा एंगल चेंज कर देते हैं। ठीक है, इस वाले को मैं यहां से अटैच कर देता हूं। ठीक है, अब बीच वाला, ये वाला तो किसी भी हालत में पहुंचेगा नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, एक नया ये लगाता हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ कर देता हूँ, और इसको यहाँ कर देता हूँ, और इसको यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट बजट में, लेकिन ये भी अटकेगा भाई। हाँ, लग ही रहा था मुझे भाई, जैसे मैंने बोला था कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं ये सारे के सारे ब्रिजेस धीरे धीरे। ठीक है, ये वाला अपना काम हो गया। अब एक काम करते हैं, ये वाले यहाँ से यहाँ तो ठीक है, बस मेरे हिसाब से ना, इसको हटाओ पहले, हाइड्रोलिक्स अपने रेडी करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद ऊपर वाले लगाते हैं ना। हाइड्रोलिक्स के हिसाब से हम बीच वाले ब्रिज लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखो ये वाला तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, लेकिन इसको सपोर्ट चाहिए होगा, है ना। ये वाले के लिए एक स्टील का लगा देते हैं, और यहाँ पे भी एक स्टील का लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी एक स्टील का लगा देते हैं। ओह सॉरी, ये वाला नहीं आएगा, ये बीच से अलग होना है, तो ये कैसे आएगा, मैं क्या सोच रहा हूँ भाई। अब देखते हैं, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट भाई, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा खर्चो भाई। शुरू का तो परफेक्ट ही था, मतलब खुला तो एकदम परफेक्ट। ओ भाई, ये वापस आने की कोशिश कर रहा है क्या? ओ भाई, एम्बुलेंस फिर भी चली गई। अरे यार, नहीं, एम्बुलेंस भी नहीं जा रही है।
ठीक है, तो मतलब इसमें गड़बड़ क्या हुई है पहले वो देखना पड़ेगा। ओके, मेरे हिसाब से यहाँ वाला सपोर्ट हटा दें अगर, तो ये प्रॉपरली जा पाएगा क्या उस तरफ? या तो इसको यहाँ से देखें देखें अगर, और नॉर्मल इसको यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाओ बिना ऊपर वाले सपोर्ट के, है ना? और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे एक हाइड्रोलिक्स, तो ये इतना तो उठ जाएगा। लेकिन फिर इसका एंगल देखना पड़ेगा, टिका ही नहीं है भाई। क्यों? अच्छा यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। लॉल, बहुत दिक्कत भाई, बहुत दिक्कत। अब इसको भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको सेंटर पे लाओ। अब यहाँ से हाइड्रोलिक्स लगाते हैं। स्टार्टिंग तो भाई एकदम जबरदस्त दे रहा हूँ मैं, और इस बार शायद टूटेगा भी नहीं। शिप तो क्रॉस हो गई है ना, अब वापस नीचे आएगा। परफेक्ट भाई, परफेक्ट, और काफी अंडर द बजट भाई। क्या बेसिक बेसिक गलतियां कर रहा था भाई मैं, इस तरफ मैंने एक जोड़ा ही नहीं था। अगर तुम लोगों को अभी समझ नहीं आया तो मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था। पिछली बार मैंने इसको ना ये वाला जगह खाली रख दी थी, ठीक है, और इसको यहाँ से अटैच कर दिया था, तो ये वाला सारा हवा में था बिना किसी हाइड्रोलिक्स के, तो ये टकरा के साइड में तोड़ दे रहा था सारे को। अब मैंने इसको भी यहाँ से कॉर्नर में लगाया, तो ये सारा का सारा ऊपर चले जा रहा है, ये सारा का सारा ऊपर चले जा रहा है। एक बार फिर से देखो सिमुलेशन, ये देखो भाई इतना सेटिस्फाइंग है ना भाई, ये देखो एकदम चमकदार। वो बोर्ड के नीचे वो भी लगाया, डिटेलिंग देखो। हाँ तो बोर्ड गायब हो गई, अब ये नीचे आएगा, ये जुड़ जाएगा, एकदम शानदार। अब एम्बुलेंस हो जाएगी क्रॉस। स्पीड बहुत स्लो है वैसे एम्बुलेंस के सारे वजह उस हिसाब से, लेकिन फिर भी ठीक है, हो गई क्रॉस आराम से भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या करना है? व्हेन रेड जॉइंट्स आरंट अवेलेबल ट्राई ब्रेसिंग अगेंस्ट समथिंग एल्स। इसमें जॉइंट ही नहीं है भाई। अच्छा इसमें नॉर्मल जो आती है हमने चीज पहले वो करते हैं, इसको जंप करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ठीक है। अगर इसको यहाँ पे जंप करवाएं हम तो क्या होगा वो देखना है मुझे। ठीक है, ओ नहीं ज्यादा हो गया। अब इसको यहाँ पे टिका दें, और इसको यहाँ से अगर मैं टिका दूं, ये वाला तो हवा में है, और इसको मैं यहाँ से टिका दूं, ये पहुंचेगा नहीं। इसको यहाँ से टिका देते हैं, इसको यहाँ टिकाना पड़ेगा, लेकिन इसका एंगल थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, और इसका एंगल नहीं, ये तो इतना ही जाएगा। नहीं भाई ये टिका ही नहीं अभी तक। ओके एक सेकंड एक सेकंड, एक चीज़ करते हैं ना, इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं, इसका एंगल बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया है ना, तब ये टिक नहीं रहा शायद। रोड लेते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर करेंगे, पहले बना लेते हैं उसके बाद ऊपर करते हैं, है ना। हाँ यही कुछ तो करना है यहाँ पे, ज्यादा ऊपर हो गया। लेकिन इसमें फ्री मूवमेंट का होना चाहिए भाई, ये तो बिल्कुल ही ऊपर हो जा रहा है या बिल्कुल नीचे हो जा रहा है। या एक चीज करें, यहाँ पे कर्व वाला ट्राई करें। हाँ वो भी तो कर सकते हैं ना, कर्व वाला भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ बना लेते हैं, और इसका कर्व थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। अब इस पे रोड बनाते हैं, ठीक है। अब मेरे हिसाब से तो ये टिका हुआ है, ठीक है। अब इसको यहां से खींचना शुरू करते हैं, ये जितना टिकेगा सिर्फ उतना ही लेंगे, है ना, और इसकी इतनी लंबी हाइट की जरूरत ही नहीं है। ओके अब इसको यहाँ ले लेते हैं, इसको यहाँ से अटैच नहीं कर पाएंगे, इसको थोड़ा सा इस तरफ लाते हैं, ठीक है। ये अटैच हो गया, अब इसको यहाँ से लेते हैं, इसको यहाँ जोड़ देते हैं, और ये यहाँ पे अटैच कर देते हैं, ठीक है। अब इसको भी सेम तरीके से जोड़ते हैं, इसको यहाँ से, और इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरफ। अब मेरे हिसाब से काफ़ी इजीली भाई 3800 में आराम से, सिंपल स्मूथ, इसे बोलते हैं भाई दिमाग। हैट्स ऑफ, अच्छा हाफ ऑफ है, मैंने हैट्स ऑफ पढ़ लिया उसे, जगह हैट्स ऑफ बोल रही गेम मुझे, बहुत आराम से कर लिया भाई, मतलब कोई प्रेशर नहीं है। अगर तुम्हें सीखना है भाई ऐसा दिमाग लगाना, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो भाई, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। काफ़ी आराम से आज के लेवल सॉल्व कर रहा हूँ भाई, दिमाग बहुत तेज है 10,000 होने के बाद। ओ भाई ये क्या है, 1 से 15 हाइड्रोलिक मैनेजमेंट, ठीक है। 12,000 का बजट है, मटेरियल रोड है, वुड है, और हाइड्रोलिक है, स्टील कैंसिल है। यूज द हाइड्रोलिक कंट्रोलर टू कॉन्फ़िगर व्हेन हाइड्रोलिक्स आर एक्टिवेटेड। ओ भाई
क्या करना भाई इसमें, द हाइड्रोलिक कंट्रोलर अलाउज यू टू डिसाइड वेदर हाइड्रोलिक्स और स्प्लिट जॉइंट विल एक्टिवेट और नॉट ड्यूरिंग ईच हाइड्रोलिक पॉज. अच्छा, फर्स्ट क्लिक ऑन द फेज यू वुड लाइक टू एडजस्ट, देन क्लिक ऑन हाइड्रोलिक यू वुड लाइक टू एक्टिवेट डीएक्टिवेट ड्यूरिंग. ओ भाई भाई भाई, इसका तो देख के करना पड़ेगा भाई. सबसे पहले अपने को क्या करना है, ठीक है, ये स्पोर्ट्स वाली गाड़ी इसको ए पे पहुंचाना है, ठीक है, लाल झंडे पे, और ये ब्लू वाली ई और सी इनको पहुंचाना है नीचे वाले पे, ठीक है. मेरे हिसाब से तो काफ़ी सही है, पहले इसको यहाँ पे बनाएंगे, फिर ये वाली हाइड्रोलिक्स से नीचे आ जानी चाहिए और ये वाली जानी चाहिए, लेकिन चलो देखते हैं, एक बार बना लेते हैं फिर देखते हैं ना, उससे पहले क्यों टेंशन लेनी है. ये बहुत ही सिंपल सा एक स्ट्रक्चर अपना बन चुका है और इसको सपोर्ट देते हैं, अब थोड़ा सा बेसिक सा ऊपर वाली तरफ देंगे क्योंकि नीचे एक और रूट जाना है, और ये मेरे हिसाब से टिक जाएगा क्योंकि ये स्पोर्ट्स वाली गाड़ी तो काफ़ी हल्की होती है ना. हाँ तो ये सिंपल सिंपल एकदम सिंपल. ओ भाई स्पीड देखो इस गाड़ी की, और ये सारी की सारी गाड़ियाँ ऊपर चली जाएंगी लेकिन इसको नीचे भी लाना है. ओ भाई इंश्योरेंस का क्या होगा इसकी. अच्छा ठीक है, अब इसको यहाँ पे अपने को चाहिए कि यहाँ पे ब्रेक हो और ये ऊपर नीचे हो जाए, है ना. तो ये ऐसा कुछ देखना पड़ेगा कि ये वाला ऐसे आए, अब जाना चाहिए मेरे हिसाब से कि ये वाला फिर नीचे आ जाएगा, है ना. हाँ ये हुई ना बात. ओ भाई क्या गड़बड़ हो गई भाई, इतना ज्यादा गंदे तरीके से तो नहीं टूटना चाहिए था, मतलब ऐसा क्या कर दिया मैंने. अब एक नीचे वाली तरफ को भी लगा देगा, ये टूट रहा नीचे वाली तरफ. ओ भाई इसको नीचे टूट कहाँ से रहा है, मुझे पहले वो देखना पड़ेगा भाई, नहीं तो समझ नहीं आएगा ये कैसे टूटा है. ये नीचे आया नीचे आया नीचे आया, फिर नीचे आके इसको सपोर्ट कम मिल रहा है मेरे हिसाब से, तो नीचे से थोड़ा सा सपोर्ट दे देते हैं. अगर इसे ऐसा लग रहा है कि नीचे सपोर्ट कम है तो नीचे भी दे देते हैं. अब देखते हैं, ये तो आराम से गई. नहीं भाई यहाँ पे टकरा के गिर रहा है मेरे हिसाब से, लेकिन एक बार पूरा सपोर्ट दे के देख ही लेते हैं. अपने डाउट्स क्यों रखने भाई दिमाग में, भाई रियल लाइफ में ऐसी सिमुलेशन मिलती ना भाई, बंदे और ज़्यादा ज़बरदस्त ब्रिज बनाते हैं. नहीं भाई ये इसकी वजह से नहीं है, ये अपना हाइड्रोलिक्स अभी सही नहीं लगा है, ठीक है. तो हाइड्रोलिक्स के लिए अपने को या तो एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरफ कर दें अगर, तब ये शायद टकराएगा नहीं नीचे जाएगा तो. नहीं भाई ये तो दिक्कत दे रहा है, तो इसको अगर मैं, अच्छा एक काम करते हैं ना, नीचे वाली तरफ भी अगर हाइड्रोलिक्स लगा दूं मैं, इतने दूर पहुंचेगा नहीं लेकिन हाइड्रोलिक्स, नहीं यहाँ तो पहुंचेगा नहीं किसी भी हालत में. उल्टा तो नहीं लगा रहा हूँ मैं हाइड्रोलिक्स, नहीं भाई कुछ और गड़बड़ कर रहा हूँ मैं मेरे हिसाब से, तो क्या हो सकती है. लेकिन अगर तुम लोगों को समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, ठीक है. तो ये वन वाली तरफ क्या है, लॉक क्यों हो गया ये. ओके एक सेकंड मुझे सोचने दो भाई, इसको अगर मैं इस तरफ से सपोर्ट दे दूं, लेकिन ये नीचे आना चाहिए ना, और मेरे पास हाइड्रोलिक सिर्फ एक ही है भाई वैसे. नहीं हाइड्रोलिक्स अनलिमिटेड है, जितने मर्जी लगा लो. अच्छा उसकी दिक्कत नहीं, हाइड्रोलिक्स बहुत है, ठीक है. तो ये वाला नीचे आना चाहिए, लेकिन अगर मैं इस पे लगा दूं तो ये वाला, अच्छा इस पे लगा के देखें एक बार हाइड्रोलिक्स. भाई ये तो बहुत ही गलत बना है, सफील ही आ गई मुझे तो, पक्का टूटेगा ये तो. अच्छा नहीं नहीं टूटा, ओ माय गॉड. पर ये निकलेगी क्या बीच से गाड़ी, वो निकल गई भाई निकल गई, लेकिन दूसरी बार ऊपर चला गया. लेकिन अच्छा हाँ ये वाला लगाना पड़ेगा ना हाइड्रोलिक्स कंट्रोलर. अच्छा बी क्या है, मतलब ये समझ नहीं आया मुझे. बी में यहाँ पे आएगा, ए सबसे पहले ऊपर चली गई, फिर बी में यहाँ पे आएगा, ठीक है, और डी में नहीं जाएगा मेरे हिसाब से. समझा नहीं भाई मैं इसको यूज कैसे करना है. एक बार एक्टिवेट हो गया बी में, ठीक है, और फिर उसके बाद डी में एक्टिवेट नहीं होगा, ऐसे होना चाहिए मेरे हिसाब से तो. ठीक है सबसे पहले चला गया, नहीं काम ही नहीं कर रहा.
ओके, तो बी में ये भी सिलेक्ट करना होगा शायद। हाँ अब देखते हैं, अब काम कर रहा है ठीक है। अब ये हाफ आ गया, अब गाड़ी तो चली जाएगी है ना, बहुत मुश्किल से जा रही है लेकिन जा रही है ठीक है। अब नेक्स्ट भी चली गई भाई, शानदार। छह ऑलमोस्ट 50% से भी कम में कर दिया भाई हमने, 50% से भी कम में। लेकिन एक चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही यार, इसको थोड़ा सा और करते हैं नीचे तक है ना, हाइड्रोलिक को। अब देखते हैं, अब पूरा नीचे जाएगी गाड़ी तब थोड़ा मजा आएगा अपने को है ना। तो भाई ये तो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, मैंने क्या गड़बड़ कर दी। कॉन्ट्रैक्ट -50 मैक्सिमम है, माइनस, अच्छा ये -50 मैक्सिमम है यार। अच्छा इसको थोड़ा और नीचे तक लेके जाए अगर, तो बिल्कुल नीचे वाले तक जाएगा क्या, ये जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा। अब देखें, ओ भाई अब ये पूरा का पूरा नीचे जाएगा मेरे हिसाब से, शानदार। गाड़ी क्रॉस होगी ये वाली भी, ये गई। अब एक्टिवेट, अबे एक्टिवेट हो गया भाई। अच्छा इसको कंट्रोलर को फिर से सेट करते हैं हम ठीक है। तो बी पे ये पूरा का पूरा काम कर रहा है और डी पे कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। हाँ तो ये है अपना सीन, सबसे पहले ये गाड़ी चली गई, फिर नीचे को आ जाएगा ये पूरा का पूरा ब्रिज। भाई पहले सस्ते में कर दिया था लेकिन वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो ऐसे पैसे बचा के क्या भाई, मजा नहीं आएगा जब। अब ये वाली भी चली गई, यस फाइनली भाई, क्या शानदार ब्रिज बना है भाई, एकदम परफेक्शन के साथ काम हुआ भाई अपना। अब इसको सस्ता बना सकते हैं पर बनाना ही नहीं है, बनाना ही नहीं है भाई। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में जाना कैसे, वैसे कंप्लीट देखने पड़ेगी यार, मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ पूरी सिमुलेशन ठीक है। अब जल्दी से ये दो गाड़ियां जाएंगी और अपने नेक्स्ट मिशन की तरफ चलते हैं ठीक है। पर क्या परफेक्ट ब्रिज बना है भाई, एक बार परफेक्ट ओपी लिख देना भाई कि अगर मजा आया इस वाले ब्रिज को देख के तो है ना। पहले लग रहा था हाफ हाफ वाले में क्रॉस कराने में फील नहीं आएगी है ना। चलो भाई अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्या लार्ज ब्रिज बनना है। यूज योर बेसिक बिल्डिंग स्किल्स टू बिल्ड अ लार्ज ब्रिज, ओ भाई मुझे पता ही नहीं था, शिट। अच्छा ठीक है, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया सा आ रहा है। सबसे पहले एक यहाँ पे सीधा रोड बनाते हैं ठीक है, उसके बाद यहाँ से ना ऐसा कर्व सा, जैसे असली वो लाइफ में होते हैं ना ब्रिज, वैसा सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे। और इसमें रोप भी है लेकिन रोप टिकाने के लिए कुछ नहीं है, क्या है ये। चलो ठीक है भाई बनाते हैं सबसे पहले है ना, सबसे पहले तो बनाने का काम है। ठीक है स्ट्रक्चर अब अपना तैयार है, अब अपने को ना एक कर्व बनाना है ठीक है। इस कर्व को अपने को सपोर्ट को ऐसे यहाँ से यहाँ जोड़ना है और इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, नहीं तो ये जुड़ेगा नहीं है ना। इससे पास भी हो गया और इसको थोड़ा सा नीचे भी करना पड़ेगा वैसे तो, हाँ क्योंकि यहाँ से इतना ऊपर कर दिया ना, अगर मैंने यहाँ पे लगाया मान लो तो ये वाले तो अटैच ही नहीं हो पाएंगे है ना। तो इसको थोड़ा सा नीचे वाले में ट्राई करते हैं पहले और फिर देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर बाकी देखते हैं ना। ओ भाई डिलीट क्यों कर दिया मैंने यार, हाँ यही था ना थोड़ा सा ऊपर, हाँ अब ये था। अब यहाँ पे सपोर्ट देना शुरू करते हैं ठीक है। अब इसको रास्ते में देना भी पड़ेगा ना भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे तो स्टील का देना पड़ेगा जो अटैच ही नहीं हो सकते और जो ऊपर नीचे भी नहीं हो सकते है ना, तो ये थोड़े थोड़े तो स्टील के लगेंगे। ये कितने हैं 220, तो ये इतना है। चलो पहले सस्ता वाला लगाएंगे जुगाड़, रोप लगा दी यहाँ पे, पर रोप का फायदा नहीं है ना भाई, पहले स्टील ही लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है। अब वापस चलते हैं वुड की तरफ और वुड मेरे हिसाब से यहाँ पे लग जाएगी, यहाँ भी आ गई, यहाँ पे आ गई ठीक है, फिर यहाँ पे आ गई और यहाँ पे भी आ गई ठीक है, यहाँ और यहाँ पे क्या करेंगे फिर। इस तरफ क्या किया मैंने, इसको थोड़ा सा इस तरफ लाऊं अगर, नहीं ये तो किसी भी हालत में अटैच ही नहीं हो रहा। इसको ऐसे लाते हैं, चलो ठीक है इस तरफ भी स्टील से कर लेते हैं फिर कुछ जुगाड़ ठीक है। अब वापस नीचे चलते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं ठीक है। अब अपने को मेन काम है इनको अटैच करना, अबे अटैच हो जा भाई काफी गंदा ब्रिज बना यार ये, लग रहा था कितना सिंपल है और भाई फट गई इसको बनाते बनाते। चलो ठीक है एक बार कुछ और कोशिश करेंगे, चलो
चलो ये तो जुड़ा कम से कम। ये भी जुड़ गया, नाइस। सारों की हमने हाइट कम कर दी, इतनी कम कर दी कि अब सारा जुड़ रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे जुड़ गए। क्रॉस में तो नहीं जुड़ेगा किसी भी हालत में, और ये भी नहीं जुड़ेगा, और इस तरफ जुड़ा हुआ है सारा। अब इस तरफ देखते हैं क्या क्या वुड से जुड़ जाएगा, और जो नहीं जुड़ा उसको उससे जोड़ देंगे, है ना। इसको स्टील से जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देते हैं। ये आ जाएगा स्टील, ये भी आ जाएगा स्टील, ये भी आ जाएगा स्टील। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से तो बहुत ही गंदा ब्रिज बना है, लेकिन देखते हैं, लेट्स सी। ओ भाई टिक गया, ओ भाई, लेकिन टूटेगा, इतना तो मुझे लग ही रहा था टूटेगा। इधर भी स्टील का लगेगा। अबे बजट 47,000 का दिया, तो कुछ तो होगा भाई इसमें, है ना। अब ये सारा टूटेगा मेरे को तो लग रहा है, पर देख लेते हैं एक बार, लग जाएगा पता। ये वाले नहीं होल्ड कर पाएंगे क्योंकि इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे सारे को स्टील का कर लेते हैं। इस तरफ भी ऑलरेडी कर लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत देगा ये बाद में, तो इसको ऑलरेडी स्टील का बना लेंगे। ठीक है, अब यहां से देखते हैं कितना लंबा जाएगा स्टील। ठीक है, और इसको भी उसी हिसाब से बनाएंगे ना फिर। ठीक है, ये वाला आ गया, और देख दूसरा यहाँ पे आ जाएगा स्टील का। वैसे ये वाला वो भी आ सकता था। सस्ता बाद में करते हैं, पहले इसको बना लेते हैं, है ना। ठीक है, और एक यहाँ से वहां भी स्टील भेज देते हैं। आई थिंक काफी होना चाहिए, इसको मेरे हिसाब से हटाना चाहिए, देखने में ज्यादा अच्छा लगना चाहिए भाई मुझे ब्रिज, तब जाके मैं फाइनल करता हूँ उसे। ठीक है, तो इसमें भी जितना ऊपर जा सकते हैं वहां तक गए, और इसको यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, और इसके बाद जो बाकी के बचे दो, एक दो यहाँ पे ये आ गए, और यहाँ जोड़ दिया स्टील से, और इसको थोड़ा थोड़ा हम ऊपर कर दें, अगर इतना ऊपर जाएगा, लेकिन जा नहीं रहा। चला गया भाई, ये भी ऊपर चला गया आराम से। ठीक है, अब तो काफी स्ट्रांग, देखने में तो काफी स्ट्रांग लग रहा है भाई। ओ भाई अभी भी टूट गया। ओके, अगर मैं इसको यहां से स्टील का दे दूं, अब देखें। अच्छा, इस तरफ मैंने दिया था, इस तरफ क्यों नहीं दिया था भाई, मैं सेम स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाता दोनों तरफ। अच्छा, सेंटर में अभी भी दिक्कत है। एक काम करते हैं, फिर सेंटर वालों को थोड़ा और लंबा बनाते हैं ना, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ऐसे कर्व बना के फायदा नहीं हुआ भाई अपने को, नॉर्मल स्ट्रक्चर ही तो बन गया फिर ये। ठीक है, कर्व बना के कोई फायदा नहीं होता भाई, ये सीख लो तुम लोग भी। अब इसको पूरा हाइट वाला, जितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा उतनी हाइट में हम ये लोग करेंगे। थोड़ा सा यहाँ आएगा, है ना। अब इसको यहाँ पे अटैच करते जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जोड़ देते हैं इसे, और यहाँ पे जोड़ देते हैं इसे, और यहाँ पे जोड़ देंगे अगर अपने को लगा कि ये फिर भी नहीं काम करता। ठीक है भाई, देखने में क्या मस्त मजबूत लग रहा है, लेकिन इसका वेट कुछ ज्यादा ही है, संभला नहीं जा रहा इससे भाई। ओके, यहाँ पे रोप लगाने का ऑप्शन नहीं है ना यार, मैं तो रोप लगा देता नहीं तो, अगर यहाँ से लगा दूं मैं। ओ भाई यहां पे रोप लग सकती है, बहुत ही बढ़िया। यहां पे आ गई, दूसरी कहाँ लगाई है मैंने, हाँ यहां से आ गई एक। अब यहां से भी रोप लगा दी मैंने, ठीक है, इसको यहां से भी जोड़ देते हैं रोप से, और इसको भी जोड़ दे, अरे नहीं इसको भी जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यार, अब तो काफी मजेदार होना चाहिए यार मेरे हिसाब से तो। ओ भाई ओ भाई, कर गया कर गया कर गया भाई, और 10,000 भी बच गए भाई अपने। ठीक है, अब एक चीज करते हैं, अपने ये मिशन तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसको थोड़ा सस्ता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जो अपने फालतू लगाए हुए हैं ना हम लोगों ने, उसको सारे को हम रिप्लेस करके वुड के करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही वाली चीज करेंगे हम, आगे तक नीचे वाले को हटाते हैं सबसे पहले, स्ट्रक्चर को, क्योंकि
कितने में किया था हमने? 37,851 में किया था, ठीक है, 37,851 याद रखना, ठीक है। और उसके बाद अब नॉर्मल वाले से हम बना के देखते हैं, ठीक है, बाकी का स्ट्रक्चर 37,851 से कम करना है अपने को। एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा बचे उतना खा सकते हैं ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया है ना, और यहाँ पे, ठीक है, और इसको भी अटैच करते हैं पहले। 37 से तो बहुत दूर है अभी हम, इसको थोड़ा सा इस तरफ है ना, तो ये यहाँ पे यहाँ आ गया है ना। तो ऊपर वाला सपोर्ट अपना पूरा रेडी है। अब नीचे अपने को एक चीज मेरे को बड़े जबरदस्त आ रही दिमाग में कि यहाँ से स्टील ऊपर तक तो पहुंचेगा नहीं, है ना। ये देखो यहाँ से, अरे पहुंच गया, बहुत ही फायदा, फिर तो बहुत ही ज्यादा फायदा, यहाँ से भी पहुंच गया, ठीक है। और एक चीज ये कर सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा सपोर्ट यहाँ से यहाँ लगा दिया, और एक्स्ट्रा सपोर्ट यहाँ से यहाँ लगा दिया, ठीक है। और इसको यहाँ से इससे जोड़ देंगे, थोड़ा सा ऊपर चल। हाँ, ये मेरे दिमाग में आया था एक नए स्टाइल का स्ट्रक्चर, ये यहाँ तक इसका फोर्स इक्वलाइज हो गया, ठीक है। अब ये होल्ड करता है तो ठीक है, नहीं तो बीच वालों को रोप से टिकाने की कोशिश करते हैं। और अभी हम 26 पे हैं भाई, नहीं होल्ड करेगा, ओके। तो अपन एक और चीज कर सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा और ये लगा दे, ठीक है, और यहाँ पे बीच में भी इसको ये लगा दे, और इसको थोड़ा सा इस तरफ, इसका फायदा नहीं है ना फिर, है ना। और इसको भी अगर यहाँ से यहाँ कर दें, ठीक है, 27 पे हम लोग आ गए हैं, नहीं होल्ड कर रहा, ठीक है, अभी भी होल्ड नहीं कर रहा। तो अब रोप का काम लेते हैं, यहाँ पे आ गई, और सेंटर में ले लेंगे, फर्स्ट और फोर्थ में लिया मैंने, ठीक है, तो एक फर्स्ट में ले ली और एक ले ली। अरे चल जा भाई, क्या रोप नहीं ले सकता क्या? अच्छा आ गई फोर्थ में। और एक और गलती मुझे अपनी दिख गई कि मैंने इसको अटैच नहीं किया, ठीक है। 37 पे वापस आ गए भाई हम लोग, घूम फिर के हम उसी स्ट्रक्चर में पहुंच गए मुझे तो लग रहा है। हाँ भाई, घूम फिर के हम वहीं पहुंच गए, 37,850 से 37,148 में आ गए। तो अगर इस वाले को हटा दूं, इस वाले को जस्ट हटा के देखते हैं, अब गिरेगा, मुझे बहुत गंदी फीलिंग आ रही है। नहीं भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया, 35 पे आ गए भाई, 35 पे आ गए, 12,000 अपने पास बचे डॉलर्स। अब इस वाली रोप को भी हटा दूं मैं, ठीक है, और इस वाली को भी हटा दूं, मान लो इसको भी हटा दिया, अबे क्लिक हो जा, हाँ, अब ये सिर्फ नीचे वाले स्ट्रक्चर पे टिकी हुई है भाई। हो गया हो गया, रोप की जरूरत ही नहीं थी, वो सिर्फ देखने का स्ट्रक्चर था, मैंने नीचे वाला स्ट्रक्चर गलत बनाया था भाई, इससे ज्यादा लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेस 99.4% है, मतलब एक जो कोई चीज है ना भाई, कोई हिस्सा एक जो टूटते टूटते ऑलमोस्ट बचा 0.6% से, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से ठीक है भाई, इतना काफी था, ब्रेनस्टॉर्मिंग धुआं हुआ निकल गया दिमाग से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और भाई वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना भाई, देखते हो तो बता दो यार अच्छी लगती है ना, अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। We'll be right back.